नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उड़ीसा के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अपने गृह जिले मयूरभंज भी जाएंगी, जहां राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला मौका है जब वह अपने परिजनों से भी मिलेंगी। बता दें कि परंपरा का निर्वहन करते हुए राष्ट्रपति अपने रिश्तेदारों के लिए दिल्ली से मिठाई और उपहार लेकर आई हैं। कर्नाटक चुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती जा रही है। जहां बजरंगबली को मुद्दा बनाए जाने के बाद अब भाजपा ने कर्नाटक में पीएम नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो का प्लान किया है, जिसके तहत पीएम मोदी आज से कर्नाटक के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और आज कर्नाटक के तुमकुर और बेल्लारी क्षेत्र में पीएम मोदी अलग अलग 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद 6 मई को कर्नाटक में 2 रोड शो का आयोजन किया जाएगा और 7 मई को पीएम की ताबड़तोड़ 4 रैलियां आयोजित की जाएगी। सतना के व्यापारियों की शीर्ष संस्थान विघ्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में शुरू हुआ विवाद फिलहाल शांत हो गया है। जहां पूर्व अध्यक्ष के 30 घंटों से चला रहा अनशन अब खत्म हो गया है और चैम्बर ने आज कार्यकारिणी की विशेष बैठक बुलाने का फैसला कर लिया है। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। जहां मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक यही हाल बना रहेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि शरद पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने के बारे में अंतिम निर्णय आज विशेष समिति की बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विशेष समिति की बैठक 6 मई को होने वाली थी, लेकिन शरद पवार के कहने पर ही यह बैठक एक दिन पहले बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज मेरठ मंडल को एक ही दिन में कवर करेंगे, जिसके तहत वे बुलंदशहर, हापुर, मेरठ और गाजियाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास के तहत बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज उड़ीसा और झारखंड के अपने समकक्ष नवीन पटनायक और हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सकते हैं। आर्थिक तंगहाल गो फर्स्ट ने अब अपने फ्लाइट्स की उड़ान 9 मई तक रद्द कर दी है, साथ ही 15 मई तक का टिकट बुकिंग पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि कंपनी ने पहले 3 मई से 5 मई तक उड़ान रोकने की बात कही थी। सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी द केरल स्टोरी विवाद के बीच आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूर की बेंच ने फिल्म पर बैन लगाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, वहीं सेंसर बोर्ड ने 10 कट के साथ रिलीज करने की अनुमति दे दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अजमेर आ रहे हैं, जहां राजस्थान पर्यटन विभाग निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने बताया कि मुख्यमंत्री के अजमेर आगमन को लेकर सभी प्रारंभिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैंप तथा स्थानीय विजय लक्ष्मी पार्क में दोपहर 2 बजे लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड देंगे। गैंगस्टर अनिल दुजाना के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद रणदीप भाटी समेत 4 लोगों ने राहत की सांस ली। सूत्रों ने दावा किया है कि अनिल दुजाना के पास से एक डायरी मिली है जिसमें 4 लोगों के नाम हैं। वह चारों को निपटाना चाहता था। इसमें पहला नाम कुख्यात रणदीप भाटी का था। बिहार STF को मिली बड़ी सफलता, जहां 22 साल से फरार चल रहे 2 इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से AK-47 और सैकड़ों गोलियां भी बरामद की गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जासूसी कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, सौरभ भारद्वाज ने लगाया गंभीर आरोप। पंजाब के तरनतारन जिले के कुछ लोगों ने मुक्तसर जिला के प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स में स्थित तहसील दफ्तर में तहसीलदार और उनके स्टाफ को कई घंटों तक बंदी बनाए रखा, जहां सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बंधक बनाए गए अधिकारियों को दफ्तर से बाहर निकाला और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, दबाव के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाए खिलाड़ी।
साइबर ठग ने अपनी अमेरिका की कंपनी बताकर देहरादून के एक व्यवसाय से ग्रीस के प्रोजेक्ट के तहत 25 लाख रुपए की GIS मैपिंग करवा ली और इसके बाद भुगतान नहीं किया। बता दें कि शिकायतकर्ता ने विगत वर्ष स्टार्टअप के तहत अपनी कंपनी शुरू की थी। झारखंड की राजधानी रांची में भाकपा माओवादी के क्षेत्रीय कमांडर इंदल गंजू उर्फ लल्लन गंजू ने आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर 15 लाख रुपए का इनाम था। उसने पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सामने आत्मसमर्पण किया। रायपुर शहर के एक कांग्रेसी नेता से कुछ बदमाशों ने रास्ता रोककर उससे लूटपाट करने की कोशिश की और चाकू से वार कर दिया। इस मामले में शिकायत लेकर कांग्रेसी नेता ने SSP प्रशांत अग्रवाल से मुलाकात की, जिसके बाद शहर के कांग्रेसी नेताओं ने सख्त अंदाज में पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हुई, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर काम पर लौटे डॉक्टर। बता दें कि कोर्ट ने काम पर लौटने का निर्देश दिया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने ये फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश में 7 मई से थम सकते हैं रात्रि रूट पर निगम की बसों के पहिए, जहां ट्रांसपोर्ट यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में अधिकारियों ने एक कुख्यात लकड़ी तस्कर के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA लगाया, जहां अधिकारियों ने कहा है कि भद्रवाह शहर का आसिक हुसैन शेख उर्फ आसिक पंगा एक दशक से अधिक समय तक फरार रहा था, और तो और उसके ऊपर पेड़ों की अवैध कटाई, लकड़ी की तस्करी और वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला करने के एक दर्जन मामले दर्ज किए गए थे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर BJP का पतन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ शुरू होता है तो उन्हें खुशी होगी। वे मालदा में TMC के आउटरीच प्रोग्राम के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही। अब बॉडी कैम से लेस होंगे मुंबई के लोकल TT, जहां मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने बताया कि टिकट चेकिंग के दौरान बॉडी कैमरा होने से TTE के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। साथ ही यात्रियों से शिकायत मिलने पर टिकट चेकिंग से जुड़ी किसी भी विसंगति का पता लगाना आसान होगा। गुजरात सरकार ने बेमौसम बारिश से हुए नुकसान से निपटने के लिए अब तक की सबसे बड़ी राहत पैकेज का ऐलान किया है, जहां सरकार ने फसल की क्षति के लिए SDRF के मानकों के अतिरिक्त विशेष मामलों में टॉप अप सहायता देने की घोषणा की है, जिसके तहत कृषि और बागवानी फसलों के लिए उपलब्ध 13,500 रुपए के अलावा 9,500 अतिरिक्त के साथ कुल 23,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के साथ किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पहले कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से काम नहीं होता, लेकिन कर्नाटक में भाजपा के घोषणा पत्र में भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम किया गया है, जहां भाजपा की कथनी और करनी में फर्क दिखता है। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।